नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जाना। ये शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। विभूतिपुर में अपराधी हुए बेलगाम, मारे मुखिया पुत्र को गोली। घटना समस्तीपुर जिले की है, जहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलसंडी तारा पंचायत की पूर्व जिला पार्षद सह वर्तमान मुखिया किरण देवी के 24 वर्षीय पुत्र सिद्धार्थ सौरव को कल्याणपुर भागवत इंडियन गैस एजेंसी के समीप बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध गोली फायरिंग कर दी, जिससे युवक के पैर में गोली लग गई, जहां युवक का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि युवक अपने घर से शाम करीब 5 बजे तक पहाड़ नाना जी के पास जा रहा था, लेकिन अत्यधिक कुहा लगने के कारण सिंह राय से घर वापस लौट रहा था कि बेखौफ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। नाना जी को नरिहाल जाने वाले थे, तो हम रात होने की वजह से हम मम्मी को कॉल कर दिए, पकड़ा से नहीं जाएंगे, हम दूसरे दिन मतलब कल नेक्स्ट डे चल चले जाएंगे मॉर्निंग में। फिर हम रिटर्न हो रहे थे तो दलसिंह सर गुलंबर के पास मोमोज काउंटर पर हम नाश्ता किए, वहाँ पर नई गाड़ी ओवरटेक मतलब मेरे गाड़ी के आगे लगा, फिर वो गाड़ी हमसे कंटिन्यू ओवरटेक की, लेकिन हम उसको इग्नोर कर दिए, हम नहीं जानते थे कौन है नहीं है। वो गाड़ी कल्याणपुर गैस एजेंसी के पास आके मेरे आगे लगा दी, उसका जैसे ही हम गाड़ी ब्रेक किए कि उसमें से 3 आदमी उतर के गोली फायर करने लगे, मेरे आगे की कांच पे गोली फायर करना शुरू कर दिए, फिर वो 3 आदमी मेरे लेफ्ट साइड बगल वाले कांच पे फिर गोली फायर कर, जब हम गेट खोल के भागे तो 2 गोली मेरे पीछे से फायर हुआ, जो कि मेरे पैर में लग गया। हम राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, मेरे बड़े पापा का भी पूर्व में इसी तरह घटना करके मर्डर कर दिया गया। मेरी माँ पूर्व में जिला परिषद की वर्तमान मुखिया श्रीमती किरण देवी। आपका